हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे पास है उस्मान बुश की तरफ से एसएससी जीडी की 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक। तो इसमें 2017 से लेकर 2024 तक के टोटल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, वो फुली सॉल्व। तो इस वीडियो में इस बुक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक है 2025 के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 25 सॉल्व पेपर्स मिलने वाले हैं, वो भी ईयर वाइज 2017 से 2024 तक। इसमें क्वेश्चन पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई एग्जाम के रिगार्डिंग, जैसे कि एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एसएससी एग्जाम का ओवरव्यू क्या होता है, साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ट्रेंड एनालिसिस, इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। और फिर इन सब के बाद हमें प्रीवियस ईयर के 25 सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें दो सैम्पल पेपर्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ओसवाल बुक्स की तरफ से कुछ एक्सपर्ट टिप्स टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं, जैसा कि सारे ओसवाल के बुक्स में होता है। उसके बाद एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो भी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जैसे कि नेशनैलिटी और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से। एंड देन यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस मिल जाता है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और साथ में इंग्लिश और हिंदी में जो भी इसके सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद जो भी फिज़िकल टेस्ट होता है एसएससी जीडी के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हाइट एंड वेट क्या होनी चाहिए और कितने मिनट में कितना दौड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी फिज़िकल में होती हैं यहाँ पे ये दी हुई है। उसके बाद 2022-23 के एग्ज़ाम में जो भी कट ऑफ मार्क्स रहे हैं कैटेगरी वाइज, वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड देन 2019 से 2024 तक का पूरा ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कि रिटन टेस्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो ईयर वाइज इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस बुक में एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कि हमें कहीं इंटरनेट पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या होता है, सिलेबस क्या है, और एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सारे साथ फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, कट ऑफ क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें दी हुई। फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें यह फर्स्ट पेपर 6 मार्च 2024 इसी साल का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और फिर इंग्लिश, इनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब ये तो पूरा पेपर ही है। फिर अगर हम इसके एंड में जाएँ तो क्वेश्चन पेपर एंड होने के बाद यहाँ पर आंसर की दी हुई है, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये दी हुई है कि जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, उनके भी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें चाहिए वो इसमें वो भी दिया हुआ है। बाकी बुक्स में क्या होता है कि बस आंसर्स दिए होते हैं जनरल नॉलेज के, बट यहाँ पर पूरा फैक्ट दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर्स, एंड देन यहाँ पर हमारा सेकेंड सॉल्व पेपर स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें भी बिल्कुल वैसे ही सब कुछ दिया हुआ है। इसी तरीके से इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें सैंपल पेपर्स किस तरीके से दिए हुए। उसके बाद अगर हम बुक के एंड में जाते हैं, यहाँ पे हमें दो सैंपल पेपर्स भी मिल जाते हैं। तो ये हमारा पहला सैंपल पेपर है, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही दी हुई हैं जैसे कि एग्ज़ाम में आता है, आखिर सैंपल पेपर का मतलब ही वही होता है। और अगर इसके एंड में हम जाएँ तो यहाँ पर हमें आंसर की मिल जाती है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस प्रिंटेड नहीं है, बट यहाँ पे जो क्यूआर कोड है अगर इसे हम स्कैन करें तो इन सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन जैसा कि सॉल्व पेपर्स में दिए हुए थे बिल्कुल वैसे ही हमें मिल जाएंगे। और फिर ये है हमारा दूसरा सैंपल पेपर, इसमें भी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही दी हुई हैं, इसमें भी क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करके हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।